पॉलिशर एंड ब्लीच हमारे लिए हराम है. पॉलिशर एंड ब्लीच ऐसी चीज है जो आपको कैंसरस सेल्स इंट्रोड्यूस करवाती है. एंड देन दूसरी चीज ये थी कि पाकिस्तान में अच्छी चीजें जो बाहर मिलती हैं वो यहाँ हमें क्यों नहीं मिल सकती, मिल नहीं चाहिए, केटर होनी चाहिए. कोरल ब्यूटी एम्पोरियम क्रिएट हुआ था इन द प्रोसेस ऑफ सूरा रहमान विद लुलू मरजान. ओके, सो लुलू मरजान इज कोरल. कोरल हाउस करता है फिश को. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लितल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल. नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आगाह बगाह मुख्तलिफ शख्सियात से गुफ्तगू शरीद करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, उनसे मिलते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या अचीवमेंट की. आज मेरे साथ एक बड़ी मुनफरद शख्सियत है. जिस तरह उन्होंने अबाया पहना हुआ उससे तो लग रहा होगा कि वो मिडल ईस्ट किसी अरब कंट्री से आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. ये बड़ी यूनिक सी बात है. वो यूके से आई हैं और उनकी ड्रेसिंग से आपको लगेगा नहीं कि वो यूके से आई हैं, इसलिए मैंने अरब का पहले आपसे जिक्र किया. मिस सदीका अहमद और फिर अबाए के साथ उनका जो बिज़नेस है वो ख़वातीन को खूबसूरत करने का है, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वेलकम टू कोरल ब्यूटी एम्पोरियम. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द इंटरव्यू एंड टेकिंग द टाइम आउट. मिस बहुत शुक्रिया. मिस सदीका अहमद, आप यूके में पली बढ़ी तो मैं तो सोच रहा था कि शायद आप जीन्स और शर्ट में होंगी, लेकिन आपने अबाया पहना हुआ. यूके की लाइफ में और इसमें बड़ा कंट्रडिक्शन है, क्या बात है? वैसे तलत आपने बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट लिया है. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डैड मस्जिद के इमाम है वहाँ. हमने जो लाइफ वहाँ गुजारी है वो बहुत ज़्यादा दीन को लेके, बल्कि जो बाहर रहते हैं ना लोग वो ज़्यादा माशाल्लाह से दीन के ऊपर चलते हैं. दीन के ऊपर चलते हैं. माशाल्लाह. अच्छा मैम, आपने ये कोरल ब्यूटी सैलून बनाया. पाकिस्तान में पहले ही ब्यूटी सैलून की कमी नहीं है जी, तो इसका नाम कोरल क्यों रखा, उसकी बैकग्राउंड क्या है और पाकिस्तान में ही क्यों आके बनाया? कोरल ब्यूटी एम्पोरियम क्रिएट हुआ था इन द प्रोसेस ऑफ सूरा रहमान विद लुलू मरजान. ओके, सो लुलू मरजान इज कोरल. कोरल हाउस करता है फिश को एंड फिश अपनी जो एग्स हैं वो वहाँ ले करके वो कंफर्टेबल फील करती है. एंड जो प्लांट है वो बहुत खूबसूरत है, उसके कलर इतने वाइब्रेंट हैं, वो एक्वेरियम में या समंदर में जब नज़र आता है तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है और एक सेफ गार्ड हब है. मैं चाहती थी कि कोरल ब्यूटी एम्पोरियम एक ऐसा हब बने उन लेडीज़ के लिए जो हलाल एंड गुड स्किन केयर एंड गुड वैक्स एंड गुड ट्रीटमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स फॉर योर हेयर, ऑल इन वन ट्रीटमेंट्स हों जिनको एक ऑनेस्ट इंटेग्रिटी के साथ और लॉयल तरीके से हम केटर कर सकें. अच्छा मैम, प्राइस कॉन्शियस लेडीज जो है वो अपनी स्किन को केयर नहीं करती, वो कहती हैं कि प्राइस जो है वो लिमिटेड हो और हम ब्यूटी नज़र आए, तो उनके लिए आपके पास सर्विसेज हैं या बाकी जो बड़े ब्रांड्स हैं सैलून के, आपका भी माशाल्लाह बड़ा ब्रांड है, ये भी बता दें साथ में पहले कि आपकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं और कितनी हैं? माशाल्लाह से लाहौर एंड इस्लामाबाद में, और हम ब्रांच आउट कर रहे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान. हम ना एक्चुअली तलत यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लेके आए, तो कोरल बाद में क्रिएट हुआ था. यहाँ आने का मकसद ये था कि बच्चों की तरबियत इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ का जो सिलेबस है वो इस्लामिक है. एंड देन दूसरी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें जो बाहर मिलती हैं वो यहाँ हमें क्यों नहीं मिल सकती, मिल नहीं चाहिए, केटर होनी चाहिए. जो हलाल है, पेप्टाइड्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पॉलिशर एंड ब्लीच नहीं है. सो हमारे पास लो एंड की भी ट्रीटमेंट हैं जो 2500 से स्टार्टअप होती हैं और हाई एंड एस्थेटिक लेवल पे भी हैं. हमारा सैलॉन एंड स्किन क्लिनिक है, तो स्किन को लेके हम चलते हैं. स्किन स्पेसिफिक सैलॉन है. मैम स्किन स्पेसिफिक सैलॉन है. मुझे एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि आपके सैलून में और बाकी सैलून में क्या एक बुनियादी फ़र्क है? व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर सैलून एंड अदर सैलून? पॉलिशर एंड ब्लीच हमारे लिए हराम है. पॉलिशर एंड ब्लीच ऐसी चीज़ है जो आपको कैंसरस सेल्स इंट्रोड्यूस करवाती है. टॉप लेयर ऑफ एपिडर्मिस को वो बिल्कुल रिमूव कर देती है. जब आप सनलाइट में जाते हैं, और पाकिस्तान में हमारे पास 9 months आउट ऑफ द 12 months समर होता है, सो उस समर के जो हॉट रेज हैं वो हमारे लिए इतनी डैमेजिंग होते हैं. ज़्यादातर 90% more women and men that come to us, they have pigmentation. उनकी जो melanin है वो completely distort हो चुकी होती है. और फिर बाकी time वो पैसे देके salons पे जाके अपनी skin का top layer को उड़ा देते हैं. We are then targeting and constantly facing this battle to create and finish with this flawless element. तो हमारे जो serums and जो peptides हैं, ये 45-year-old brand है एनवायरन का, जो हम लेके चल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी और सिर्फ कोरल में एक्सक्लूसिवली अवेलेबल.
अवेलेबल है, स्पेशली लाहौर एंड इस्लामाबाद में, स्पेशली लाहौर इस्लामाबाद। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आपका क्या एक मैसेज होगा कि वो अपनी हेल्थ और ब्यूटी को किस तरह कॉन्शियस, अगर कॉन्शियस हैं तो उसका किस तरह लुक आफ्टर करें, हर सैलून पर जाएँ तो उधर क्या चीज़ें नोट करें और क्या चीज़ें नोट ना करें? देखिए तलत, आजकल की जो लेडीज़ हैं माशाल्लाह से एजुकेटेड है, एक तो ये लेडीज़ ओनली सैलून एंड स्किन क्लिनिक है एंड इसमें जब वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हैं पॉलिशर एंड ब्लीच एंड डिफरेंट चीज़ों को लेकर, मोस्ट क्लाइंटेल जो आपका होता है वो अगले को ट्रस्ट कर रहा होता है, वो ट्रस्ट करके आता है अपने पैसे, वो जब देता है वो बिलीव करता है कि ये लॉयल्टी और इंटेग्रिटी के साथ हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ डील कर लें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था जब मैं विजिट करती थी कि ये ऐसे नहीं होता, एक बैक रूम होता है जहाँ से मिक्स होकर चीज़ें आती हैं और आपके ऊपर लगाई जाती हैं। एंड आजकल की जो लेडीज़ हैं वो स्टूपिड या सिली नहीं हैं, वो नॉलेज रखती हैं, वो एजुकेट होना चाहती हैं, वो रिसर्च करती हैं। तो कोरल ब्यूटी एम्पोरियम में ये बेनिफिट्स हैं, जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो स्किन स्पेसिफिक के साथ आपके लिए बेनिफिशियल हैं। हम विटामिंस, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड पेप्टाइड्स यूज़ कर रहे हैं जो हमारी स्किन रिकग्नाइज करता है, बट एट द सेम टाइम हम मैजिशियन नहीं है कि ओवर नाइट विद वन ट्रीटमेंट हम उसको फिक्स करें। We do need time to fix that. So हम recommend करते हैं कि आप hair and skin की consultation लें। Consultation के बाद हम जब आपको educate करते हैं, जब आप हमें visit करते हैं, हमारे पास laser की treatments हैं, हमारे पास skin की हैं, hair की हैं, hair botox करते हैं, keratin करते हैं, non-injectable treatments हैं हमारे पास जो इस वक्त पाकिस्तान में dermatologists and skin clinics में नहीं है। अच्छा। तो हमारा जो client है वो हमारे salon में सिर्फ नहीं आता, वो salon and skin clinic की दोनों चीज़ों को वो target कर रहे हैं at Coral Beauty Emporium। तो ये एक मेरी विजन थी, एक पैशन था, जो एक पाथवे जो हम लेके आए हैं, और मेरी यही एक एडवाइस होगी पाकिस्तानी ऑडियंस को जो हमें वॉच कर रहे हैं कि आप फॉरेन एक्सपैट यूके के जो सिटीजन यहाँ आते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, आप उनकी बिजनेसेस को सपोर्ट करें, आप उनकी हेल्प करें, ताकि ये जब ऊपर जाएगा यहाँ पाकिस्तान में अच्छे ब्रांड्स आएंगे, बाहर लोगों के यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और पाकिस्तान का ये फ्यूचर होगा विद द फॉरेन, विद पाकिस्तान का फ्यूचर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए। नाज़रीन बड़ी मज़े की बात है कि इन्होंने जो स्किन ट्रीटमेंट बताई है ऐसा मैंने बहुत कम सुना ऐसी चीज़ों के बारे में। आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग्स की और रिपोर्टिंग के सिलसिले में पाकिस्तान के सारे सूबों में आया गया हूँ और डॉक्टर्स के साथ काफ़ी अच्छा मेरा आमना सामना है क्योंकि बहुत सारे कोलीग सीनियर जूनियर डॉक्टर्स हैं। लेकिन ये जो बातें आज इन्होंने की हैं ये मुझे भी सीखने को मिली हैं। आपको कितना कुछ सीखने को मिला है कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।